अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग रमजान ब्लॉग है। जैसे कि आप लोगों को पता है रमजान आ चुके हैं। आप सबका रमजान मुबारक एवरीवन। तो आज मेरा पहला रोजा है, जाहिर सी बात है। और अभी मुझे रोजा बिल्कुल नहीं लग रहा, बिकॉज आज पहला रोजा है तो इतना फील नहीं हो रहा मुझे। सो अभी मैं जस्ट नमाज पढ़ के मैंने कहा आज ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। सो सहरी का नहीं किया मैंने, आज अफ्तारी से ब्लॉग स्टार्ट है। तो आज जो भी होगा मेरा रोजा कैसा जाएगा और अफ्तारी में क्या क्या मैं करूंगी और कैसे कैसे बनाऊंगी, बाहर जाऊंगी, घर में खाऊंगी, सबको मैं दिखाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। अपने ऐसी मेरे साथ रहना, एंड तक मेरा ब्लॉग देखना है। तो देखते हैं क्या होता है। सो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। और आज इतनी ज़्यादा बारिश है, पता नहीं क्या आज मौसम इतना अच्छा, शुक्र है कुछ मौसम अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ इतनी ज़्यादा बारिश है, देखिए हमारा सेंध कितना गीला है। रात सारी बारिश होती रही है, अभी जान हो रही है, रात को सारी बारिश होती रही है। अब शुक्र है अच्छा मौसम है, रोज़ा रखने में अच्छा भी लग रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पिछली बार मैंने 15 रोज़े रखे थे और इस बार मेरी कोशिश है मैं पूरे 30 के 30 रोज़े रखूँ। बट देखें अब क्या होता है। मैं कोशिश करूँगी कि सारे रमज़ान वीडियो बना सकूँ, सारे रमज़ान आपको व्लॉग दिखा सकूँ। बट मुझसे पता नहीं क्यों डेली व्लॉग नहीं मुझसे बनता। मुझसे ना 2-3 दिन बाद व्लॉग बनता है, डेली व्लॉग नहीं मुझसे बनता। तो पता नहीं क्या है मसला। बट जितने मुझसे व्लॉग बने रमज़ान की मैं बनाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना हुलिया ठीक कर लेती हूँ। सो कपड़े मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और तो अब हम करेंगे टिकटॉक वाली ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस मनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं, 50 लाख। सो अभी मेरा जो फेस का हाल है वो बहुत ज्यादा बुरा हुआ पड़ा है, क्योंकि सुबह से जब कुछ खाया नहीं तो यही हाल होना है। और आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, मेरा गाना गाने का मूड हो रहा है, लेकिन नहीं रोज़ा है, गाना नहीं गा सकते। तो अब मैं आगे क्या करूँगी आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी और देखते हैं आगे क्या करती हूँ। बाबा का सूट प्रेस करने वाला है, मुझे प्रेस करना पड़ेगा बाबा का सूट, क्योंकि मामा ने कहा है। वैसे मुझे मर्दाना सूट बिल्कुल प्रेस करने नहीं आते, लेकिन आई विल ट्राई। सबसे पहले हम करेंगे ये, इसको प्रेस शलवार, ये कमीज़ है। सबसे पहले हम करेंगे इसको ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। मॉल पड़ती है ना काम करती है, उतना मुझे सब कहते हैं काम का, आई डोंट नो, पर मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि आप किसी किले में रहती हैं क्या, आर पार दीवारें हैं। मैं किसी किले में नहीं रहती, ये आर पार लोगों का घर है, मेरा कोई किला नहीं है यहाँ पर। पता नहीं लोग क्यों समझते हैं। वैसे भी मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि किले में नहीं रहती मैं। अगर चेंज किया, अभी सुकून आया कोई। और अभी टाइम क्या है, अभी टाइम है 4:53, मतलब कि 5 o'clock हो चुके हैं और 2-2.5 घंटे तक अफ्तार होगी। तो मैं मम्मा को कह रही थी कि मम्मा मुझे ना बिरयानी बनाई है मम्मा ने आज, ठीक है, और मम्मा ने बिरयानी बनाई है तो बिरयानी बन गई। लेकिन मैं कह रही थी मुझे ना साथ कुछ और भी खाना, तो मम्मा कहती बाहर से कुछ और भी ले आओ।
तो मेरा तो मुझे तो मौका मिलना चाहिए, मैं तो कहते कहती हूँ मुझे हर चीज़ बाहर से खिला दो, बट अब मैं थोड़ी देर तो बाहर जाऊँगी, बारिश ख़त्म हो जाए फिर मैं बाहर जाती हूँ, फिर मैं कुछ लेके आऊँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं अफ्तार। सो अब हम जा रहे थे बाहर अफ्तारी करने और आप लोगों ने देखा इतना ब्यूटीफुल वेदर था बाहर का, सो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी क्लिप शूट कर लूँ। तो अब मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही थी कि कब अजान हो और अफ्तारी का टाइम हो, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी, भूख नहीं थी लगी थी बट प्यास लग गई थी, उसका मैं वेट कर रही थी, साथ साथ मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी। उसके बाद बाबा गए, जाहिर सी बात है पकौड़े समोसे यही सब होता है अफ्तारी में, तो दिल ही नहीं करता कुछ और खाने का, और आपको पता है मैं तो खाती भी यही हूँ। तो बाबा गए थे और बाबा लेके आए थे, और ये कुछ चीज़ें मैंने बांटने के लिए ली थी, क्योंकि मैं डोनेशन बहुत करती हूँ रमज़ान में, देती रहती हूँ ज़रूरतमंद होते हैं उनके लिए, मैंने ये सब लिया था। तो ये मैं आपको बाद में, रोज़ा खुल चुका है व्लॉग में दिखेगा। तो उसके बाद अफ्तारी हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने जल्दी ली यार, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी, सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। तो उसके बाद मैंने साथ साथ मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी, क्योंकि व्लॉग सारा आप लोगों के लिए मैंने बनाना था, और मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा व्लॉग बना सकूँ इंशाल्लाह। आपको रमज़ान में काफ़ी व्लॉग मेरे देखने को मिलेंगे नए से नए। उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई, अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो अफ्तारी के बाद मैंने सोचा हम बांटने चल जाते हैं, क्योंकि मैं डेली बांटती हूँ, बट आज मैं व्लॉग शूट कर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। और दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जस्ट एक व्लॉग के लिए सब डोनेशन कर रही हूँ, बल्कि मैं वैसे भी करती हूँ इन सब को, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ये इन सब को मैं देती हूँ, ये लोग मुझे दुआ देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ का। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं सबको बहुत ज़्यादा देती हूँ जितना होता है, क्योंकि अभी मैंने जब मुझे पता नहीं था कि इस बार इतने ज़्यादा होंगे, तो इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग थे वहाँ पे, तो मैं लेके गई थी जितने पैकेट, इतने पैकेट भी थे मैंने बांटे वहाँ पे, और देख सकते हैं आप इतना ज़्यादा रश हो गया था मेरे पास। वैसे मैं हमेशा कार से उतर के देती हूँ, बट मैंने आज बहन का सोचा ऐसे ही बैठ के दे देते हैं, बट बहुत मैंने आधे लोगों को बांट दिया था, बट आधे लोग रह गए थे, तो उनके लिए मैं कुछ और भी लेने जा रही थी, तो मैंने साथ साथ मैंने कहा और भी उनके लिए कुछ ले लेते, तो आगे आप धीरे धीरे सब कुछ ले गए, हाँ भी ले लो, चलो और ले लो, और क्या ले। फिर हम यहाँ बेकर्स पे आए, कुछ हमने जूसेस वगैरह लिए, बहुत कुछ लिया यहाँ से उनको देने के लिए। बहुत खुशी होती है जब आप किसी को देते हो और उनके मुंह पे उनके फेस पे मुस्कुराहट देखते हो, जैसे ये अब आप देख सकते हैं। तो इन सब को मैं बांट रही थी, और इंशाल्लाह कल फिर एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों को मैं मिलूँगी। कल भी इन लोगों को मैं बहुत सारा कुछ देती हूँ, मैं वैसे भी देती रहती हूँ जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर के पास है, तो मैं जाती रहती हूँ यहाँ पर, इस साइड पर ये लोग होते हैं, तो मैं इनको बहुत, कभी मैं पैसे दे देती हूँ, कभी मैं खाने को दे देती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं देती रहती हूँ। तो कल भी आप लोगों को दिखेगा कि कल इनको क्या क्या मैं दूँगी। तो दिखाने का मतलब ये ना समझिएगा कि ये बड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है, या फिर कुछ लोगों के कमेंट आ जाएंगे कि आप दे रही हैं तो दिखा क्यों रही हैं, ये जस्ट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे जिन लोगों ने डोनेशन की थी, मैं उनका भी बता रही हूँ कि जिन लोगों ने मेरी डोनेशन की थी उनका भी बीच में मैं ऐड करके इन सबको ज़रूरतमंद लोगों को दे रही हूँ, ये मतलब है दिखाने का। कुछ गलत मत कमेंट कर दीजिएगा, सो यही कहना चाहती हूँ।
अभी हम सबको बांट के आए, इतना ज्यादा मतलब कि रश हो गया था, तो मैं बांट के आई हूँ, तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो सामने देख कितना प्यारा रमजान का चांद है, मैं आपको दिखाती हूँ गेट। देखा मेरा कितना प्यारा चांद है। तो अभी कल मैं फिर सोच रही हूँ कल हम फिर बांटे, मैं बांटती रहती हूँ, बट मैंने व्लॉग आज रोजे की वजह से मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब भी रिकॉर्ड कर दिखाया जाए, क्योंकि मैं रमज़ान में डोनेशन करती हूँ। और मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाकर फॉलो कीजिए, आमना खान 877 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो वहाँ पर भी डोनेशन मैं करती हूँ, मैंने सबको बोला भी है कि जिस जिसने मेरे साथ डोनेशन में साथ देना है वो दे सकता है, क्योंकि मैं डोनेशन करती हूँ और आपके सामने मैं डोनेशन कर भी रही हूँ। तो जिस जिसने मेरे साथ हिस्सा डाला डोनेशन में वो भी डालें, ताकि मैं उनको मैंशन करके और उनकी भी डोनेशन इन सबको करूँ। सो आप लोगों ने देखा जैसे कि आज का व्लॉग था, आज बहुत सारा मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बांटती हूँ, ज़रूरतमंद लोगों को देती हूँ। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग आएगा, कल नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही धमाकेदार आप लोगों के लिए आने वाला है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए रमज़ान में। और ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।